छोटू मोटू जोशी फार्म। छोटू मोटू जोशी जो फार्म है ये कई साल पुरानी है और आज ये जो साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं इनके परदादा के जमाने की ये फर्म है और तब से पूरी दुनिया को यहाँ से रसगुल्ले खिलाए जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि रसगुल्ले तैयार हो रहे हैं और कैमरामैन राजेश छंगानी से मैं कहूंगा कि रसगुल्लों का जरा प्रोसेस दिखाएं। आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दूध रखा हुआ है, इस दूध को गर्म किया जाता है। ये कच्चा दूध है जो बड़े एक पतीले में रखा हुआ है। बीकानेर में इसको भगोना भी कहते हैं और टोपिया भी कहते हैं। ये एक बड़ा भगोना है, इसमें कच्चा दूध रखा हुआ है और इस दूध को अब इस कढ़ाई में गर्म किया जा रहा है। ये दूध गर्म हो रहा है, ये एक साथ यहाँ खड़े हुए हैं, ये दूध को गर्म कर रहे हैं और इसके बाद इस दूध को फाड़ा जाएगा, फाड़ने का प्रोसेस होगा। और आप ये देख रहे हैं कि ये दूध गर्म होने के बाद यहाँ रखा जाता है और उसके बाद इसमें टाटा मिलाकर इसे फाड़ा जाता है। इसको फाड़ने के लिए बस छेने का पानी ही दूध में मिला दिया जाता है और ये दूध फट जाता है। उसके बाद इसमें से छेना निकाला जाता है, आप देख रहे हैं मेरे सामने, प्रेस किया जाता है, उसको प्रेस करके सारा पानी निकाल दिया जाता है और ये लंबा प्रोसेस है। बार बार इसको प्रेस करके इसमें पानी निकाला जाता है और जब सारा पानी निकल जाता है उसके बाद इसको रख दिया जाता है, टांग दिया जाता है। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये छेने का पानी है, इसको दूध में मिलाया जा रहा है। दूध में मिलाने के बाद में जैसा हमने आपको बताया वो दूध में मिला रहे हैं। अब ये छेने का पानी इस गर्म उबलते हुए दूध में मिलाया गया है, थोड़ी ही देर में ये दूध फट जाएगा और उसके बाद इसका छेना बनाया, ये फट भी गया है। इसके बाद इसमें से इस दूध को कपड़े में डाला जाएगा, कपड़े में डालने से छेना उस कपड़े के अंदर रह जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये मेरे सामने जो प्रोसेस चल रहा है ये वही प्रोसेस है छेना बनाने का। छेना बनाया जा रहा है, कपड़े में इस दूध को डाला जा रहा है और छेना इस कपड़े के अंदर रह जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा। और अब इसे यहाँ ले आया गया है और ये भी एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत इसका बचा हुआ पानी निकाला जा रहा है। इस तरह से जितना पानी है वो सब इसमें प्रेस कर करके निकल जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि पानी निकाला जा रहा है, अभी अभी और प्रोसेस बाकी है, अभी इसे और प्रेस किया जाएगा और जितना से बचा हुआ पानी है वो पानी निकाला जा रहा है। और जब सारा पानी निकल जाएगा उसके बाद इसे अगली टीम को दिया जाएगा। ये जब सारा छेना निकल जाएगा इसके बाद इसे अगले प्रोसेस के लिए ले जाया जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ रसगुल्ले को जिस शक्ल में आप देखते हैं सबसे पहले इस शक्ल में उसे तैयार किया जाता है, गोले बनाए जाते हैं। ये गोले बनाए जा रहे हैं, ये गोले उसी छेने के हैं जो छेना अभी आपने तैयार होते हुए देखा है। ये यहाँ छेना रखा हुआ है, ये छेना यहाँ रखा हुआ है और इस छेने के जरिए ये रसगुल्लों के गोले तैयार किए जा रहे हैं। सर नमस्कार जी, पूरी दुनिया को रसगुल्ले खिलाते हैं? हाँ, पूरी दुनिया के रसगुल्ले खिलाते हैं, फेमस है, सबसे बढ़िया बनाते हैं, एक नंबर क्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या ख्याल रखना क्या पड़ता है रसगुल्ले बनाते हैं? अच्छा छीना देख के, अच्छा देख के रखना चाहिए, एकदम साफ सुथरे रखना चाहिए, छीना को कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छा रघुवीर सिंह जी हैं। और रघुवीर सिंह जी ने कहा कि रसगुल्लों में कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि वो जो रसगुल्लों के गोले हैं वो लेकर एक साहब यहाँ गए हैं और इन इन गोलों को इसमें डाल दिया गया है। अब वो रसगुल्लों के गोले बॉयल हो रहे हैं, बॉयल होने के बाद इन्हें
निकाला जाएगा। ये साहब खड़े बॉयल कर रहे हैं जी, नमस्कार जी। ये रसगुल्लों को बॉयल क्यों कर रहे हैं आप? ये पानी है, निकाला। इससे क्या होगा? इससे मुझे या नहीं और उसके बाद क्या करेंगे? उबालने के बाद में उसमें निकालने की चाशनी है। रसगुल्लों को उबाला जाता है, उबालने के बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ चाशनी रखी हुई है, जिस तरह से ये रसगुल्ले चाशनी में डाले हुए हैं और रसगुल्ले चाशनी में डाले जाएंगे और इन्हें काफी देर तक रखा जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है रसगुल्लों का। तो इस पूरे प्रोसेस से रसगुल्ले बनते हैं और खास बात ये है कि ये जो पूरी फैक्ट्री है आप देख रहे हैं कि आमतौर पर जहाँ मिठाइयों की फैक्ट्री में बड़े चिपचिपाहट या कुछ ऐसा अजीब सा माहौल देखने को मिलता है, लेकिन इस फैक्ट्री में ऐसा कोई माहौल देखने को नहीं मिला कि जहाँ जरा भी आपको ऐसा लगे कि कुछ यहाँ गंदगी है या ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही साफ सुथरे तरीके से यहाँ पर रसगुल्ले तैयार हो रहे हैं और जगमोहन जोशी जो यहाँ के मालिक है वो हमारे साथ मौजूद है। हम लास्ट का प्रोसेस हम बाद में दिखाएंगे, पहले जगमोहन जी से बात करते हैं। जी जगमोहन जी नमस्कार। ये आपकी फैक्ट्री देखी, पहले तो आप ये बताएं कि ये फैक्ट्री जो साफ सुथरी है, तो आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि मिठाई की फैक्ट्री से इतनी सफाई मिल जाए। सफाई तो करते रहते हैं, समय समय पर करते रहते हैं। जैसे जैसे समय आता है, समय मिलता है, तो काम खत्म होता है। शाम को तो सफाई करते हैं, सुबह सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, शाम को सफाई करते हैं। इसकी सफाई रहती है और यूँ तो देखो जहाँ फैक्ट्री और थोड़ा बहुत तो कर जाता ही है। ये अच्छा, रसगुल्ला बनाने का प्रोसेस जो है लंबा है, तो क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है? इसका सारा ख्याल रखना पड़ता है। रसगुल्ले में वैसे कुछ नहीं है, सिर्फ दूध चीनी और पानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ख्याल तो पूरा बनाते रखते, क्योंकि इसमें आग का काम है, गर्म चीज का काम है, इसका पूरा ख्याल रखना पड़ता है हमें, कोई भी तरह की कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए। अच्छा एक बात बताएं कि रसगुल्ला वैसे तो बंगाल का या उड़ीसा का प्रोडक्ट माना जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में बीकानेर का रसगुल्ला मशहूर है। बड़े शौक से जहाँ भी रसगुल्लों की बात आती है तो लोग ये कहते हैं कि बीकानेर का रसगुल्ला दीजिए, ये क्या वजह है? ये इसकी वजह गायें हैं। हमारे बीकानेर इलाके में गायें भारत की सबसे ज्यादा गायें हैं, क्योंकि गायें ज्यादा है तो प्रोडक्शन यहाँ पे तो गाय दूध का ज्यादा होता है। दूध का ज्यादा होने की वजह से इसमें रसगुल्ला का प्रोडक्शन होने लग गया यहाँ पे, इस वजह से यहाँ से बहुत सप्लाई होता है। तो बीकानेर फेमस हो गया दूध में और रसगुल्ले के अंदर। टेस्ट है बहुत अच्छा, टेस्ट है, वहीं से कोई कमजोर नहीं है, हमारे रसगुल्ला टॉप में रहता है। हमने पहले भी कहा कि बीकानेर जहाँ अपनी तहजीब की मिठास के लिए मशहूर है, वहीं रसगुल्ले की मिठास उसमें और ज्यादा इजाफा कर देती है। और अहम बात यह, जैसा जगमोहन जी ने बताया कि बीकानेर में सबसे ज्यादा गायें मिलेगी, देश में सबसे ज्यादा गायें बीकानेर में है और यहाँ दूध भी शुद्ध मिलता है। यही वजह है कि उस शुद्ध दूध से जो रसगुल्ला तैयार होता है, उस रसगुल्ले के जायके की बात ही कुछ और होती है। और हमने बताया कि किस तरह से रसगुल्ले तैयार होते हैं, और जब फाइनली रसगुल्ले तैयार हो जाते हैं तो तैयार होकर यहाँ आ जाते हैं और आप देख रहे हैं कि वहाँ पैकिंग रखी हुई है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि जरा रसगुल्लों की पैकिंग दिखाए, और आप देख रहे हैं कि यहाँ रसगुल्ले किस तरह से पैक होकर आ जाते हैं और यहाँ पर फाइनली सेल होने के लिए रसगुल्ले रख दिए जाते हैं, जहाँ बाहर से भी लोग आते हैं, लोकल लोग ही आते हैं और रसगुल्ला खरीदते भी हैं। कुछ लोग भी खड़े हुए हैं, हम बात करना चाहेंगे यहाँ लोगों से। एक भाई साहब खड़े हुए हैं रसगुल्ले जी, नमस्कार। आप क्या ले रहे हैं? रसगुल्ला ले रहे हैं? रसगुल्ले ले रहे हैं जी। तो रसगुल्ले आप कहाँ से आए हैं? मैं एक्चुअली भोपाल से हूँ। भोपाल से हैं? तो भोपाल से और बीकानेर आए हैं। बीकानेर में पोस्टेड हूँ रेलवे में जी। वही यहाँ का फेमस आइटम था, इसलिए ले बीकानेर का रसगुल्ला पसंद है। क्यों पसंद? बस ऐसा क्वालिटी है, सुना है बहुत अच्छे मिलते हैं, इसलिए आप यहाँ। ये भोपाल से हैं साहब, इनका कहना है कि बीकानेर के रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं और इसीलिए मैं यहाँ आ गया रसगुल्ले खरीदने के लिए। और यहाँ ऋषि मोहन जोशी जी के बारे में हम बात करते हैं, ये भी यहाँ प्रोप्राइटर हैं इस पूरी फर्म के, हम बात करेंगे। ऋषि मोहन जी, बीकानेर का रसगुल्ला क्यों पसंद है, लोग इतना क्यों दीवाने हैं? देखिए, एक तो बीकानेर की एक खासियत है कि बीकानेर के लोगों में अपने आप एक मिठास है। बीकानेर के लोगों की इस यहाँ की आबो हवा में, हमारे माहौल में, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत मिठास है। एक सबसे बड़ी बात तो यह कि लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए ये बीकानेर का रसगुल्ला अच्छा है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, बीकानेर का रसगुल्ला जो है वो गाय के दूध का रसगुल्ला है। गाय का दूध अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है,
और यहाँ आसपास गाय का बहुत दूध दूध बहुत अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में जो है वो उपलब्ध है। और देखिए ये शुरू जो हुआ उसका कारण ये हुआ था कि पहले जब रेफ्रिजरेशन के ज्यादा साधन नहीं होते थे तो दूध जो था उसको किसी ना किसी रूप में उसको काम में लेना होता था, तो उसको फाड़ के उसको छेना बना के और उसके रसगुल्ले बना के उसको आगे उसको बेचा जाता था ताकि दूध काम में लिया जाता था, वरना दूध को खराब हो जाता। छोटू जी ने इसकी एक रेसिपी ईजाद की, उन्होंने इसको क्या किया कि इसका जो शुगर कंसेंट्रेशन था इसकी चाशनी थी उसको थोड़ा मोटा रखा। शुगर इटसेल्फ एक प्रिजर्वेटिव है, शुगर अपन जैसे मुरब्बे वगैरह रखते हैं उसी कॉन्सेप्ट में उन्होंने इसको इसकी चाशनी को मोटा रखा, जाड़ा रखा, उससे इसकी सेल्फ लाइफ जो हमारा जो रसगुल्ला है ये 3-4 दिन तक आपके बिना किसी प्रिजर्वेटिव के बिना किसी रेफ्रिजरेशन के भी वो आपके खराब नहीं होता, वो उसको काम में लाइक लेने लाइक रहता है। तो इस तरह से क्या है कि रसगुल्ला बीकानेर से खूब फेमस होता है। तो ये बीकानेर है यहाँ की खुशबू पूरी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम देती है, यहाँ का जर्रा जर्रा ये कहता है कि जिस तरह से यहाँ के रसगुल्लों में मिठास है उसी तरह बीकानेर खुद अपनी मोहब्बत की मिठास से पूरी दुनिया को अपने अंदर समा लेने की हैसियत रखता है। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजेश चंगानी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।